CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी, और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस महीने हम सीख रहे हैं कि हम कैसे अपने देश के गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन सकते हैं। तो आज हम खास प्रोग्राम में प्रार्थना करेंगे हमारे लीडर्स के लिए। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर ने कुछ अधिकारी ठहराए हैं और हमारे नेता हैं या हमारे कार्य क्षेत्र में जो अधिकारी हैं, जहाँ कहीं भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में पीपल ऑफ अथॉरिटी रखे हैं, हम उनके लिए आज खास प्रार्थना करना चाहेंगे। बिल्कुल रिबेला, जैसे आप ये कह रही थी मुझे एक वचन याद आया शास्त्र में जो कहता है कि एवरी अथॉरिटी इज एस्टैब्लिश्ड बाय गॉड, यानी कि परमेश्वर है जो अधिकारियों को नियुक्त करता है। और हम डेमोक्रेसी में हैं, हमें लगता होगा कि हम कर रहे हैं, एक पार्टली वो राइट भी है, लेकिन गॉड है जो अथॉरिटी एस्टैब्लिश करता है। और क्योंकि वो गॉड का एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको रिस्पेक्ट करें और उन्हें वो आदर दे जिसके वो योग्य है। यस, एंड वी नो दैट गॉड इज सुप्रीम एंड इट इज इन गॉड्स विल। जो भी अथॉरिटीज परमेश्वर ने हमारे ऊपर रखी है, तो जैसा आपने कहा, वी हैव टू सबमिट टू देम एंड प्रे फॉर देम। यस, और आइए दोस्तों आज की सुबह की शुरुआत हम करें एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। गीत का नाम है जीवन का मेरे तू रखवाला। टुडे वी वांट टू गिव दिस सॉन्ग टू फ्रेंड्स ऑफ सीबीएन इंडिया हु हैव सर्व्ड द कंट्री सो फेथफुली। वी वांट टू ऑनर कर्नल अजीत सिंह सिसोदिया, कर्नल हॉलैंड जॉनसन, कर्नल डीसीवी शाह, लेट लेफ्टिनेंट रेनल्ड एंड मिस्टर एंड्रू लिटिल फॉर स्टैंडिंग विद सीबीएन इंडिया in building communities of hope for many years. Here is a song we pray over you. May God keep his hands of protection over you. Dosto, kitne khoobsurat bol hai is geet ke, jeevan ka wo hamara rakhwala hai. Aaiye is geet ko sunte hain aur is geet ka aanand lete hain. Do
व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा इस गीत को सुनकर के। हमारे जो जीवन का सफर है वो आसान नहीं है, इट्स अ डिफिकल्ट जर्नी दैट वी आर ऑल ट्रैवलिंग ऑन, एंड कैसे ये गाना हमें वो एश्योरेंस देता है, हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन का रखवाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो ही हमारा विधाता है। सच है दोस्तों, और हम उम्मीद करते हैं कि इस गीत से आप भी प्रोत्साहन पाए हैं। शायद हो सकता है आप जीवन के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हिचकिचाइए मत, घबराइए मत, परमेश्वर की ओर नजर उठाइए और जानिए कि वो आपके जीवन का रखवाला है और वो आपको संभाले रखेगा। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि क्यों हमें प्रार्थना करना चाहिए उनके लिए जो अथॉरिटी पोजिशन में है, जो अधिकार के स्तर पर है, जिन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया है। और इसी सिलसिले में हम आपको मिलाने जा रहे हैं इस समय रोशी अगस्टिन जी से, जो जिन्हें परमेश्वर ने एक ऊंचे स्तर पर नियुक्त किया है। रोशी जी मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज है विद द गवर्नमेंट ऑफ केरला। आज वो हमें अपने जीवन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं और अपने जीवन के सफर के बारे में हमसे शेयर कर रहे हैं। आइए इनसे मिलते हैं। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय मेरे माता पिता की देखरेख में बचपन था। सबसे पहले उन्होंने मुझे मसीही जीवन के मूल सिद्धांतों में प्रशिक्षित किया। ये मेरे माता पिता द्वारा मुझे दिया गया अब तक का सबसे अच्छा उपहार है। स्कूल और कॉलेज के दौरान मेरा सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण अच्छा था, परंतु सोडालिटी और मिशन लीग जैसे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने सचमुच राजनीति और सामाजिक कारणों में प्रवेश करने में मेरी सहायता की। इस विश्व जल दिवस पर आंकड़े सामने आए कि दुनिया भर में लगभग 266 करोड़ लोग पीने के पानी के लिए संघर्ष करते हैं, इसलिए हमें अपने सामने आने वाले जोखिम के पैमाने का अनुमान लगाना होगा। सभी चेतावनियों पर विचार करते हुए हमें भविष्य के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार होना होगा। इसलिए हम राज्य और केंद्र सरकारों के सहयोग से अपने राज्य में जल जीवन प्रोजेक्ट को लागू करने का इरादा रखते हैं, जिससे सभी को उपचारित जल उपलब्ध हो सके। हमने इस प्रोजेक्ट को केरल में लागू करने के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। हमारे जल संसाधनों के संरक्षण के विषय में जागरूकता बढ़ाना समय की मांग है और इसकी शुरुआत स्कूल स्तर से होनी चाहिए। हमें बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। ये महत्वपूर्ण है कि हमारे स्कूलों और परिवारों से लेकर बड़े समुदाय तक सभी को इसके बारे में पता हो। ये हमारे जीवन यापन के बारे में एक बुनियादी मुद्दा है और हमें इसके लिए एक साथ जुड़ने की आवश्यकता है। मैंने सोचा था कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। जब 2018 में इडुकी में बाढ़ आई थी, हम बिखर गए थे। कोई बिजली नहीं थी, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी और सड़कें बंद थी। मेरी आंखों के सामने हुए लैंडस्लाइड में लगभग 60 लोगों की मौत हो गई। मरे हुए लोगों को अन्य लोगों द्वारा ले जाया गया क्योंकि सड़क का कोई रास्ता नहीं था। हम बिल्कुल बेबस थे। सब जगह लोग प्रार्थना कर रहे थे। मुझे लोगों को दिलासा देना था और सारी विपत्तियों के बीच उनका हौसला बढ़ाना था ताकि वे आगे बढ़ सकें। अपने विश्वास के कारण मुझमें ऐसा करने की हिम्मत थी। मेरे संपूर्ण राजनीतिक जीवन में और अब एक मंत्री के रूप में मुझे अपने महान नेता और श्री के एम माणी सर का पाठ याद आता है जो हमें सिखाया गया। सत्ता पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए होनी चाहिए। यही वे लोग हैं जिन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता है, तो उनके बारे में कभी मत भूलो। हम इस सीख को अपने हृदयों की गहराई में रखते हैं। रोशी जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस एंड यू आर सच एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। और परमेश्वर होने दे कि परमेश्वर आपके कार्य के द्वारा, आपकी जो अथॉरिटेटिव पोजीशन है इसके द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन को छुए, एंड मे गॉड कंटिन्यू टू ब्लेस यू। वाकई आपकी कहानी सुनकर बहुत प्रोत्साहन मिला। दोस्तों आज हम देख रहे हैं कि क्यों हमें अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जो लीडर्स है, जो अथॉरिटेटिव पोजीशंस में है, इन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया है और हमें इनके लिए रिबेका प्रार्थना लगातार निरंतर प्रार्थना होनी चाहिए। इनफैक्ट जब हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं तो हम इनके चैलेंजेस को समझने लगते हैं। वी आर एबल टू एम्पैथाइज विद देम एंड अंडरस्टैंड देम, एंड इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इनके लिए प्रार्थना करें। राइट। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम लीडर्स और अथॉरिटेटिव पोजीशंस के बारे में सुनते हैं तो हम सोचते हैं अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं ये करता या मैं वो करता,
या मैं तो पूरे गेम का पासा पलट देता, है ना? ऐसा ख्याल शायद आपको आया होगा अक्सर, लेकिन हम जानते नहीं उनके चैलेंजेस क्या है। अक्सर ऐसा भी होता है कि हम हैप्पी नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं, हम नाखुश हैं जिस तरह से वो अगुवाई करते हैं या जिस तरह से वो सीमित है। अक्सर एक कहानी मेरे जहन में आती है जब हम लीडर्स इन अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं, और वो है दानियल की कहानी। दानियल की कहानी से हम सब वाकिफ होंगे, वही दानियल जिसे परमेश्वर ने शेरों के मुंह से बचाया और जिंदा निकाला। उस कहानी को अगर हम गौर से देखें तो वो कौन था जिसने दानियल को शेरों के मुंह में जाने के लिए किसने वो आज्ञा दी थी? वो थे उस समय के राजा जिनका नाम है दारियस। अब हुआ ऐसे कि दारियस को दानियल बहुत पसंद था, लेकिन दानियल के कुछ विरोधियों ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसमें राजा खुद फंस गया और राजा बेबस हो गया। वो लिमिटेड था और उसने कहा कि अब तो मैंने ये आज्ञा दे दी है, अब इस आज्ञा को मैं कैंसिल नहीं कर सकता, और दानियल को शेरों के मुंह में फेंका गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, मैं चाहता हूं एक दो वचन मैं आपके लिए पढूं दानियल 6 से, दानियल चैप्टर 6 वर्स 21-22। दानियल ने सम्राट से कहा, महाराज आप लाखों वर्ष जिए, मेरे परमेश्वर ने अपना एक दूत भेजा जिसने सियो के मुंह को बंद कर दिया, क्योंकि मैं परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष था, इसलिए सियो ने मेरा अनिष्ट नहीं किया। महाराज इसी प्रकार मैं आपके सम्मुख भी निरपराध हूं, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। दोस्तों आपने सुना दानियल ने क्या कहा, उसने कहा किंग लिव फॉरएवर, लाखों साल तक आप जिए। कितनी अजीब सी प्रार्थना है ना, उस राजा के लिए वो दुआ कर रहा है जिसने उसे शेरों के मुंह में भेजा है। ऐसा है दानियल, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर सारी चीजों में भलाई उत्पन्न करता है, इसलिए उसके मन में तब भी राजा के लिए आदर है, सम्मान है। जी बिल्कुल दोस्तों, और अगर आप भी इफ यू आर आल्सो इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, और आप भी शायद अपनी इस पोजीशन में चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, डू कॉल अस विद योर प्रेयर रिक्वेस्ट ऑन CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010। यस, साथ ही साथ दोस्तों अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो CBN प्रेयर लाइन में हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। अगस्त के महीने में देशभक्ति के जज्बात के बीच हम एक नई जिंदगी में मिलेंगे देश के सेना के जाबाजों से, और इंडिपेंडेंस डे वीक को मनाएंगे एक अलग अंदाज में। 10 अगस्त को मिलेंगे 1971 इंडो पाक वॉर के वॉरियर और वीर चक्र के विजेता ग्रुप कैप्टन डोनाल्ड लाजरस से। मैंने नंबर 3 सेबर के पीछे जाके उसको शूट किया और वो पायलट भी इजेक्ट किए, दोनों पायलट यहाँ जमीन पे गिरे और हमारे आर्मी यूनिट ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो 1971 वॉर के लिए मुझे वीर चक्र मिला। 14 अगस्त को मिलेंगे इंडो पाक वॉर के हीरो ब्रिगेडियर हेनरी भास्कर से। मुझे 1965 के भारत पाक युद्ध में बहुत सक्रिय रूप से भाग लेने का सौभाग्य मिला था। सियालकोट की लड़ाई में हम आमने सामने फायरिंग कर रहे थे और दुश्मनों का एक सैन्य दल मेरे ऊपर आया और मैंने अपनी स्टन गन निकाली और उन पे फायर किया। मैंने ये बहुत फुर्ती से किया, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं हमेशा प्रार्थना करके जाता हूँ। और 14 अगस्त को ही मुलाकात होगी अति विशिष्ट सेवा मेडल अवार्डी मेजर जनरल सुरेंद्र पावामनी से। And you know in the army when we say that you command troops, then you command troops and you command them where they owe their allegiance to even death for their motherland as Christ died on the cross for us. वेलकम बैक दोस्तों, इस पूरे महीने हम देख रहे हैं कि कैसे हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना है दोस्तों, और आज खास हम गौर कर रहे हैं अधिकारों के लिए, और जो लीडर्स हैं वो ऐसे पोजीशन में हैं जिस पे अथॉरिटेटिव पोजीशंस में हैं, अधिकार का स्थान परमेश्वर ने उन्हें दिया है,
और इसलिए उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों इस समय भी CBN प्रेयर लाइन में हमारे साथ जुड़ रही हैं निवेदिता एंड रेवरेंड आलोक कुमार सिन्हा जो ABC चर्च गाजियाबाद से हैं, और ये हमारे लिए खास प्रार्थना करेंगे, हमारे लीडर्स के लिए खास प्रार्थना करेंगे। तो आइए इस समय हम भी प्रार्थना में इनके साथ जुड़ें। हेलो दोस्तों, एक बार फिर CBN प्रेयर लाइन में आप सबका स्वागत है। अगस्त के महीने में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे को, और उन सारे ग्रेट लीडर्स को सल्यूट करते हैं और उनको याद करते हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है और हमारे लिए सैक्रिफाइस दिया। आज CBN प्रेयर लाइन में हम प्रार्थना करने जा रहे हैं अपने लीडर्स के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेवरेंड आलोक जो ABC गाजियाबाद से आए हैं। वेलकम पास्टर आलोक। थैंक यू वेरी मच निवेदिता आज के इस मुबारक मौके के लिए। जब हम देश की स्वतंत्रता के महीने को मना रहे हैं, इट्स रियली प्रिविलेज फॉर मी टू ज्वाइन विद यू ये, और यहाँ पर आकर के अपने उन अगुओं के लिए, देश के नेताओं के लिए, उन सेनानियों के लिए प्रार्थना करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। जी सो पास्टर, हम देखते हैं कि जो हमारे लीडर्स हैं, चाहे वो देश के लीडर हो, ऑर्गेनाइजेशन के हो, स्कूल के प्रिंसिपल्स हो, बॉसेस हो, लेकिन उनका जो स्थान है वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना आसान नहीं है। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, प्रेशर होता है, और बहुत बार मिसअंडरस्टूड रहते हैं जो लीडर्स होते हैं अपने डिसीजन की वजह से। तो आप उनके उन लोगों को क्या बताना चाहिए? मैं दोनों बातों में उन लोगों को जो उनके साथ काम करते हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि उनका सम्मान करें जो आपके ऊपर अधिकारी ठहराए गए हैं, क्योंकि वो बेसिकली चाहे वो बिजनेस कर रहे हो या एजुकेटर्स हो, पर वो एक्चुअली नेशनल बिल्डर्स हैं, वो देश को बना रहे हैं, और आप उनके अधीन रह करके अपनी देशभक्ति जाहिर कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन लोगों से जो अगुवाई का काम कर रहे हैं, जो लीडरशिप में है, जो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, उनके लिए कहना चाहता हूँ चाहे कितना भी विरोध हो, ये याद रखकर काम करते रहे कि बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी है और उनकी कुर्बानी से ये देश आजाद हुआ है। तो आपकी कुर्बानी, बावजूद इसके आपको कोई ना समझे, बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बहुत जरूरी है। आपने कहा कि ये जो देश है इसमें बहुत लोगों की कुर्बानियां लगी हैं, और इस समय मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनके लिए और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए जो देश की आजादी की खातिर लड़ते लड़ते शहीद हो गए, और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके परिवार में आपकी आशीष आए और वो बलिदान की भावना जो उनके पूर्वजों में थी परमेश्वर, वो चाहते हैं उनमें भी रहे और ये देश आपके नाम में तरक्की करता जाए। प्रभु, प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए, उन जवानों के लिए जो अपना बलिदान देकर परमेश्वर सैक्रिफिशियल तौर से बॉर्डर पे खड़े रहते हैं परमेश्वर, लड़ाई लड़ते हैं, दुख उठाते हैं, चाहते हैं परमेश्वर उनको और उनके परिवारों को, सबको आशीष दीजिए और आपका नाम सबके जीवन से महिमा पाने पाए। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर, लीडरशिप एक ऐसा पोजीशन है जो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए आता है, और बहुत बार हम उस प्रेशर को नहीं समझते, बुराई भी बहुत बार करते हैं, गॉसिप होती है बॉसेस के बारे में, बुरा लगता है जब कोई लीडर डांट देता है या कोई बात कह देता है, और लीडर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता होगा। तो ऐसे समय पे आप उनको क्या कहना चाहेंगे जब वो डिफिकल्ट वक्त में रहते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई नहीं समझ? देखिए, मैं लीडर्स से तो ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा ये याद रखिए, बाइबल में लिखा है कोई भी मनुष्य ये अधिकार अपने आप से प्राप्त नहीं करता जब तक उसे स्वर्ग से दिया ना जाए। और साथ ही साथ एक दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि लीडरशिप में कई बार आपको जान का जोखिम उठाकर काम करना पड़ता है। यदि हम बाइबल में देखें तो दाऊद एक उदाहरण है, जब दाऊद अपने भेड़ों के लिए जाकर सिंह से, बालू से लड़ गया और लड़कर अपने बच्चे निकाल लाया, या अगर आप यीशु मसीह की बात करें तो यीशु मसीह ने हमारे आपके लिए अपना प्राण बलिदान किया, एंड ही बिकेम अ रोल मॉडल फॉर लॉट ऑफ पीपल, मेनी ऑफ पीपल। सो आपको रोल मॉडल होना है, आपको साथ ही साथ ये याद करना है कि आपको ये अधिकार परमेश्वर ने दिया है, और बाकी आपको चाहिए जो
आप अगवे नहीं है, ये चाहिए कि आप अपने अगुओं के लिए निरंतर प्रार्थना करें ताकि वो बेटर तरीके से काम को कर सके। जी हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच पास्टर हमें ये बात याद दिलाने के लिए कि अथॉरिटी का जो पोजीशन है वो परमेश्वर की ओर से है और हम सब अपने लाइफ में लीडर्स का रोल प्ले करते हैं कभी ना कभी कहीं ना कहीं। और लीडर्स के लिए जो लीडर्स हैं उस समय मैं चाहूंगी कि आप प्रार्थना करें। जी जरूर से, और ये बात ध्यान रखें कि जो सामर्थ्य है जिसने आपको काम दिया है वही काम करने के लिए आपको रिसोर्स प्रोवाइड करता है। जी परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाकर उन तमाम लोगों पर परमेश्वर रख जो सेवा का काम करते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे देश के अगुए हैं। परमेश्वर जैसे आपके वचन में लिखा है अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए, सबके लिए प्रार्थना किया करो। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो ऑर्गेनाइजेशनल हेड्स हैं। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन टीचर्स के लिए, शिक्षकों के लिए, परमेश्वर उन सब लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं हमारी अगुवाई करते हैं और हमारे देश के भविष्य को बनाने में लगे हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु तू हर एक को आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद पास्टर, लीडर्स के लिए प्रार्थना करना हम अक्सर भूल जाते हैं और आपने हमारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करी है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप एक लीडर हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको प्रार्थना में मदद चाहिए तो कॉल नाउ ऑन 9910401010। अब हम चलते हैं लेकिन 18th ऑफ अगस्त को हम फिर मिलेंगे और प्रार्थना करेंगे आप सबके लिए जो बीमार हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच निवेदिता एंड रेवरेंड आलोक कुमार सिन्हा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लीडर्स के लिए, पीपल इन अथॉरिटी के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। और दोस्तों आपको याद है कि अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करना चाहते हैं एंड यू वुड लाइक अस टू प्रे फॉर यू, तो आप CBN प्रेयर लाइन में हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। यस दोस्तों अब हम अधिकारियों के लिए प्रार्थना भी करने वाले हैं लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए, मिलकर हम देश के नेताओं के लिए और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करेंगे। Hey Superbook fans, we are in the month of August. Independence Day sale is on. Superbook merchandise par aapko milega 25% off on every product. So hurry up, shop now on cbnindia.org. वेलकम बैक दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने हम बात कर रहे हैं हाउ वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आर कंट्री। और आज हम खास एपिसोड में प्रार्थना कर रहे हैं फॉर ऑल ऑफ देम हु आर इन पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी। बिल्कुल दोस्तों, ये समय है कि हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे, खासकर उनके लिए जो शायद अलग अलग चुनौतियों से गुजर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। दोस्तों अलग अलग अधिकार के लोग परमेश्वर ने हमारे जीवन में नियुक्त किए हैं, चाहे वो हमारे देश के नेता है या अलग अलग स्थानों पर, चाहे हमारे काम के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, अलग अलग अथॉरिटेटिव लोग हैं जो हमें लीड कर रहे हैं, हमारी अगुवाई कर रहे हैं। आइए उन सब के लिए इस समय हम मिलकर दुआ करते। स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं कि तू सबसे बड़ा अगुवा है, तू हमारा गुड शेपर्ड है प्रभु, अच्छा चरवा जो अपने भेड़ की अगुवाई करता है। धन्यवाद प्रभु, साथ ही साथ तूने ऐसे अलग अलग अगुओं को हमारे जीवनों में नियुक्त किया है प्रभु, ऐसे लीडर्स को तूने रखा है, चाहे वो हमारा देश चलाए, हमारा शहर चलाए, जिस कंपनी में हम काम करते हैं उसकी अगुवाई वो कर रहे हैं। प्रभु इस समय हम सारे अधिकारियों को तेरे पास लेकर आते हैं, हम जानते हैं प्रभु उनका काम आसान नहीं है, उन्हें बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं, कई बार बहुत डेलिकेट सिचुएशंस में उन्हें कॉल लेना होता है। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु कि तू उन्हें ज्ञान देगा, समझ देगा, सद्बुद्धि देगा, वो धार्मिकता के रास्ते पर चलेंगे प्रभु, उनके फैसले लोगों के हित में होंगे प्रभु। हम खास प्रार्थना करते हैं हमारे देश के सारे नेताओं के लिए प्रभु, चाहे वो जो भी पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हैं उन्हें समझ दे प्रभु, तेरा भय उनके अंदर हो प्रभु, और वो जो भी डिसीजंस ले, जो भी फैसले वो ले, वो देश की प्रगति और उन्नति के लिए हो। हम उनके परिवारों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, उन्हें सुरक्षित रख और शैतान और दुश्मन के हर वार से उन्हें बचा। ये प्रार्थना
हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों, शास्त्र हमें प्रोत्साहित करता है कि जो अधिकार में है उनके लिए लगातार निरंतर हम प्रार्थना करते रहे। जी दोस्तों, और अभी समय है कि हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में हमारी जो अथॉरिटीज हैं उनके बारे में क्या कहा गया है। इसी के साथ समय है कि हम आपसे लेंगे इजाजत। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है, और याद रखें कि हमें मिलकर हमेशा अपनी अथॉरिटीज के लिए प्रार्थना करनी है। दोस्तों, अब समय है आपसे इजाजत लेने का, और उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत खूबसूरत होगा। मंडे हम आपके लिए प्री इंडिपेंडेंस एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे फिर से कि एक अच्छा नागरिक होना क्या है, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य हम कैसे निभा सकते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे आप हमारे साथ मंडे जरूर जुड़िएगा, और हम साथ मिलकर इंडिपेंडेंस डे की तैयारी करने वाले। जी बिल्कुल दोस्तों, हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे, और इसी के साथ टाइम टू से गुड बाय। हैव अ लवली ब्लेस्ड वीकेंड। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।